गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम मेजर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में पॉइंट नंबर एक हेडिंग इम्पायरमेंट कर चुके हैं। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो विजुअल इम्पायरमेंट है। इसमें इसका जो ये दृष्टि बंधना वाले बालक, ये बालक होते हैं जिन्हें देखने में समस्या आती है। जो कई लोग जो दृष्टिहीन होते हैं वो जन्म से ही होते हैं, कई चोट लगने के बाद दृष्टिहीन हो जाते हैं। जैसे कि जन्म से सही होते हैं, उन्हें दिखता है, लेकिन कई बार एक्सीडेंट या किसी चोट लगने से वो दृष्टिहीन हो जाते हैं। वो उसे दृष्टिहीन बालकों में स्थान दिया गया है। ये दृष्टिबंधता दो प्रकार की होती है। ये इसके जो दो टाइप्स माने गए हैं वो टू टाइप्स हैं। पहला है माइनर विजन डिफेक्ट होता है। एक तो होता माइनर जैसा कि जिसको अगर हम स्पेक्स के माध्यम से दूर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। माइनर्स में ये होता है कि दृष्टि दोष वाले बालों को देखने में थोड़ी सी समस्या आती है और ऐसे बालक मोटे अक्षरों को पढ़ सकते हैं, लेकिन बारीक अक्षरों को नहीं। कईयों को दूर की दृष्टि कमज़ोर होती है, कईयों के पास की दृष्टि कमज़ोर होती है। वो उसकी उसको ये दो जो निकट व दूर का होता है, दो प्रकार का माना जाता है। इसको जो होता है ये स्पेक्स के माध्यम से इसको दूर किया जा सकता है, यानी कि उसको चश्मे के द्वारा माइनर विज़न को डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है। जो पूर्ण रूप से दृष्टिमंद बालक होते हैं उन्हें किन्हीं कारणों से जो उनकी नेत्र की ज्योति होती है वो चली गई होती है तथा देखने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, वो विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ समायोजित बिठाना नहीं, जो सामान्य बच्चों के साथ समायोजित नहीं बिठा पाते हैं, और ऐसे में इन्हें शिक्षा देने के लिए विशेष प्रकार के अध्यापकों की, प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन लोगों के लिए स्पेशल स्कूल्स खोले गए हैं। इनको ब्रेल लिपि के सहारा, जैसे डॉट डॉट वाली जो इनकी ब्रेल लिपि होती है उसके द्वारा इनको पढ़ाया जाता है, और दृश्य श्रव्य सामग्रियों का ठीक प्रयोग से ये प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इनको उस ब्रेल लिपि के माध्यम से अक्षरों का ज्ञान करवाया जा सकता है। फिर वह श्रव्य माध्यम के द्वारा सुनकर सीख सकते हैं। जो ऐसे देख नहीं सकते वो सिर्फ श्रव्य माध्यम के द्वारा ही शब्दों का ज्ञान, पाठ्यों का ज्ञान लिसनिंग के माध्यम से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसके करैक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअल इम्पायरमेंट, दृष्टि सक्षम बच्चों के लक्षण। इनमें जो करैक्टरिस्टिक ऑफ विजुअल इम्पायरमेंट चिल्ड्रन की बात की जाए, इनमें वो बच्चे आते हैं जिनमें जिन्हें डिफ़िकल्टी रीडिंग द वर्ड रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, अगर ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई बातों को पढ़ने में कठिनाई आती हो। जैसे कि अगर मान लो वो कक्षा में पीछे बैठा है और टीचर ने कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखा, उसको साफ नज़र नहीं आता है, तो वो क्या करता है उस कार्य के लिए, वो आस्किंग द अदर चिल्ड्रन टू कॉपी द वर्क रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। जो उन्होंने टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो बच्चों के माध्यम से पूछकर या उनकी कॉपी से देखकर उसको काम को उतारते हैं। सी टू फॉर्म्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, फिर उनको एक वस्तु दो रूपों में दिखाई देती है, या तो उनको एक ही चीज़ दो रूपों में दिखाई देती या फिर उनको धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। फिर क्विक पेस्ट करना, जल्दी जल्दी पलक छपकाना, फिर आँखों को मलना, पानी आना, और पढ़ते समय आँखों को इधर उधर देखना, इधर उधर हिलाना, आँखों में जलन, आँखें लाल होना, आँखें आवश्यकता से बड़ी या छोटी होना, ये जो सारे लक्षण होते हैं वो दृष्टिबंध व्यक्तियों बच्चों के, अक्षम बच्चों के लक्षण होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अध्यापक को चाहिए कि अगर वो कक्षा में बैठे हैं और उनको दिखाई कम देता है, अगर वो उनके प्रश्नों के लिखे हुए उत्तरों को नहीं देख पाते हैं, तो उनको पीछे के बजाय आगे बिठाना चाहिए और उनसे उनका निरीक्षण करते रहना चाहिए कि उन्हें जो विजुअल है, जो ब्लैक बोर्ड है, वो सही नज़र आ रहा है कि नहीं। वो दूर रखी वस्तुओं को देखते समय कई बार सिर को आगे पीछे घुमाते हैं, ठीक है। पढ़ते वक्त जो उनकी पठन सामग्रियां होती हैं उनको बहुत निकट या दूर से पकड़ते हैं,
इन सारे लक्षणों के द्वारा हम अध्यापक पहचान सकते हैं कि बच्चे को दृष्टि दोष है, और इस दृष्टि दोष होने के कारण अध्यापक को उनके माता पिता से संपर्क करके आँखों के चिकित्सक को दिखाकर उनकी आँखों का सही से इलाज करवाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, दृष्टि दोष बालकों की पहचान हम कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है उनके बिहेवियर से, ये पता लगाया जा सकता है कि दृष्टि दोष बालकों की इन बच्चों के अंदर जो देखने की क्षमता है वो कितनी है। यह अध्यापक उसके व्यवहार, शारीरिक बनावट और उसकी लगातार निगरानी करके ही पता लगा सकते हैं। अध्यापक को लगातार बालक के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए यह जानकारी प्राप्त कर सकता है, और अगर फिर वह बच्चे के माता पिता से और बात कर आँखों का निरीक्षण करवाया जा सकता है, क्योंकि जो अध्यापक होता है वह बच्चों को माँ बाप से ज़्यादा जानता है। क्योंकि यदि बच्चा कक्षा में पढ़ते समय, लिखते समय या खेलते समय कुछ असामान्य व्यवहार करता है तो अध्यापक को बच्चे के माँ बाप को सूचित करना पड़ता है। और अगर अध्यापक को ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ते समय और लिखते समय अपनी आँखों पर ज़्यादा जोर डालता है तो अध्यापक को माँ बाप के ध्यान में लाना चाहिए, और माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को तुरंत किसी डॉक्टर से जाँच करवाए। नेक्स्ट है शारीरिक चिन्ह, फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं इनके। अगर हम शिक्षा की बात करें, अध्यापक को अगर ऐसा लगता है कि अगर कक्षा में बच्चों की आंखें सूजी हुई हैं या फिर लाल हो जाती हैं पढ़ते टाइम, या फिर उनमें पानी बहने लगता है, तो उन्हें तुरंत बच्चे के माँ बाप को बताना चाहिए ताकि वह उसका उचित इलाज करवा सके। लगातार कक्षा निरीक्षण, कंटिन्यू क्लास ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि अगर उसको यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखी बातों को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, और अगर वो पीछे बैठा है तो उसको आगे की तरफ बिठाना चाहिए। और अध्यापक को लगातार कक्षा निरीक्षण के पश्चात ऐसे लगे कि कुछ बच्चों को कि जो कक्षा में देखने में और कक्षा में लगे जो चार्ट होते हैं उन्हें पढ़ने में कठिनाई आ रही है, तो बच्चे के साथ बात करें और उसके बाद उनके माँ बाप से माँ बाप को सूचित करके उसका सही इलाज करवाया जा सकता है। आँखों का निरीक्षण, स्क्रीनिंग ऑफ आइज, तो वो कैसे किया जा सकता है कि स्कूल वालों को ये चाहिए होता है कि वर्ष में कम से कम दो बार आँखों का निरीक्षण करवाना चाहिए, उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए ताकि पता चलता रहे समय समय पर बच्चों की आँखों पर कितना स्ट्रेस पड़ा हुआ, किसको कितना दिखाई देता है, और आँखों की कमियां जो बीमारियां उन्हें पता होनी चाहिए। और अध्यापक को भी चाहिए कि वह एक चार्ट के माध्यम से या कलर्स के माध्यम से बच्चों की आँखों का निरीक्षण कर सकते हैं। बच्चों को अगर रंग पहचानने में कोई मुश्किल आ रही है या फिर पढ़ने में मुश्किल आ रही है, या फिर चार्ट का प्रयोग दृष्टि को चेक करने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन निकट दृष्टि को चेक करने के लिए इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। दूर दृष्टि वाले में अक्षरों को छोटा बड़ा या उससे बड़ा करके लिखकर उनकी आँखों का निरीक्षण किया जा सकता है। अगर हम अदर टेस्ट की बात करें तो इसमें मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ। अदर टेस्ट में हम इस चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ये जो चार्ट होता है ये बच्चों की आँखों के निरीक्षण के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ बच्चों की दृष्टि सामान्य नज़र आती है, लेकिन जब उनको रंग के भेद करने के लिए कहा जाता है तो वो रंग के भेद नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में इस टेस्ट के प्रयोग द्वारा इस रोग की जांच की जाती है। अगर अध्यापक को ऐसा लगता है कि बच्चा रंगों को के भेद को नहीं पहचान पा रहा है तो तुरंत उसके माँ बाप को बताना चाहिए और आँखों की दृष्टि के स्तर की जांच करवाकर फौरन इसका इलाज शुरू करवा देना चाहिए। ये चार्ट आप लोगों ने देखा होगा, और किसी को स्पेक्स लगी हो, जब ये आँखों का निरीक्षण किया जाता है
तो उसमें ऐसा चार्ट नहीं होता है, लेकिन वो ABC वाला चार्ट होता है जिसमें वो देखा जाता है कि बड़े से लेवल शुरू किया जाता है, मान लो कि 200 से लेवल को शुरू किया जाता है, तो धीरे धीरे पास लाया जाता है कि देखा जाता है कि जहाँ दृष्टि को हम बोल देते हैं कि यहाँ तक हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, उतनी ही जो डिग्री का हमारे को चश्मा लगता है, ठीक है, उतनी दृष्टि का ही इसमें हम चश्मे का डॉक्टर उसका प्रयोग करवाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की पहचान के लिए NCERT ने दिल्ली द्वारा विकसित चेकलिस्ट के द्वारा की है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो दृष्टि दोष बालकों में एक से अधिक व्यवहारों के आधार माने गए हैं, जरूरी नहीं उनके अंदर यही आधार माने जाते हैं, अगर इसमें प्रॉब्लम्स देखी जाए तो उनके अंदर स्लो स्पीच डेवलपमेंट यानी कि अवरोध वाणी का विकास भी होता है, ठीक है, एजुकेशन रिटार्डेशन हो जाती है ऐसे बच्चों के अंदर, ये सब दोषपूर्ण व्यक्तित्व का विकास भी होता है, उसमें बौद्धिक विकास भी, समायोजन की समस्याएं, ये सारी चीज़ें दृष्टि दोष बालकों के अंदर यानी कि जो NCERT ने व्यवहार के आधार पर आती हैं, ठीक है बेटा। ये तो थे हमारे विजुअल इम्पायरमेंट, नेक्स्ट है हमारा वाणी दोष स्पीच इम्पायरमेंट चिल्ड्रन।